ये धर्म युद्ध क्या होता है? ये कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध हो रहा था क्या? आपकी लाइफ में कोई युद्ध है? मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने अंदर की बात कर रहा हूं। हम सब खोजते रहते हैं, बचपन से हम सब खोजते हैं कोई ऐसा काम जिसके जरिए हम अपने लिए एक सक्सेसफुल करियर तो खोज ही लें, लेकिन साथ ही साथ हमारी लाइफ का पर्पस हमको मिल जाए। एक ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से दुनिया में लोग हमको याद करें कि हमने कुछ कुछ किया है। बट फिर भी इसलिए नहीं कि लोग हमको याद करें, इसलिए क्योंकि उस काम के जरिए हम अपने आप को खो देते हैं और अपने आप को पा जाते हैं। अर्जुन से कृष्ण ने लड़ने के लिए इसलिए कहा क्योंकि अर्जुन वॉरियर था। जैसे एक डॉक्टर डॉक्टर होता है, एक म्यूजिशियन म्यूजिशियन होता है, एक माँ माँ होती है। आप क्या कहेंगे उस औरत से जो पैदा करते ही अपने बच्चे को कहीं फेंक देती है क्योंकि उसने पहले सोचा नहीं था कि मैं बच्चे को कैसे पालूंगी? आप यही कहेंगे कि तुम माँ हो, तुम्हारा काम है बच्चे को पालना, और अगर तुम बच्चे को नहीं पाल सकती तो तुम्हें पैदा क्यों किया? अर्जुन अब तक लड़ाई की थी उसने, अब वो डिसाइड कर रहा है कि मैं साधु बनना चाहता हूँ, और ये अर्जुन का कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर क्लैरिटी होती तो लड़ाई के बाद या लड़ाई के पहले अर्जुन कृष्ण की बात जब हो जाती तब तो वो चुपचाप अपना गांडीव छोड़ के चले गए होते और लड़ाई करते। कृष्ण के वार्तालाप के बाद अर्जुन बैठ करके ये नहीं सोच रहे होते कि अच्छा मुझे लड़ना है कि नहीं। कृष्ण की वजह से उनको क्लैरिटी आई है। क्लैरिटी किस चीज़ की आई? कि उनकी लाइफ का पर्पज़ क्या है। कृष्ण ने ऑब्वियसली उनको मोटिवेट किया, उनको समझाया कि अगर तुम इस लड़ाई को नहीं लड़ते हो तो तुम्हारी बदनामी होगी, लोग तुमको थू थू करेंगे, और अगर तुम जीत जाते हो तो तुम्हें जो भी तुम्हें प्रॉपर्टी मिलेगी, नाम मिलेगा, वो तो सही है, तुम्हारी बड़ाई भी होगी, लेकिन एट द सेम टाइम तुमने अपने धर्म को जिया है, तुम जो थे वो थे। लेकिन साथ ही साथ कृष्ण ने अर्जुन को थोड़ा सा टॉन्ट भी मारा कि तुम जा तो रहे हो यहाँ से, लेकिन लोग क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में, कि डर के भाग गए, लड़ाई के मैदान से डर के भाग गए, तो अगर अपनी बेइज्जती कराना चाहते हो तो लड़ाई मत करो। उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग बात कृष्ण ने कही, उन्होंने कहा कि अगर तुम इस लड़ाई में मरते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। या स्वर्ग सचमुच में होता है? स्वर्ग, अगर हम माने एक काल्पनिक स्वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, अगर सचमुच में एक आदमी का माइंड पीसफुल है तब उसकी जो नेक्स्ट स्टेट होती है लाइफ की वो एक हैप्पी स्टेट होती है। तो अर्जुन को भगवान इसलिए टॉन्ट भी मार रहे हैं, उसको बेइज्जत भी कर रहे हैं कि तुम यहाँ से अगर भाग गए तो लोग तुम्हारी बेइज्जती करेंगे, तुमको हारा हुआ भगोड़ा कहेंगे, तो उससे बेटर है लड़के अपने आप को स्वर्ग पाओ या जीत कर इस प्रॉपर्टी को तुम पाओ। फिर कृष्ण कहते हैं देखो तुम्हें मन में ये आ रहा है कि मैं इन लोगों को मारूंगा तो मैं पापी हो जाऊंगा। उसका एक तरीका है, उससे फ्री होने का एक तरीका है कि जब तुम इस लड़ाई में जाओ, हार और जीत, इज्जत और बदनामी, इन सब थॉट्स को छोड़ करके उसके बाद लड़ने जाओ। जब तक तुम इस लड़ाई के जरिए कुछ पाना चाहते हो, कोई चीज़, तब तक तुम पापी हो जाओगे। अगर तुम कोई चीज़ नहीं पाना चाहोगे तब यह लड़ाई तुमको छू भी नहीं पाएगी। तुम कुछ भी करोगे तुमको पाप नहीं लगेगा। गीता बहुत खास किताब है, अगर आप समझना चाहें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझना चाहें। इससे पहले हमने आत्मा का नेचर कैसा है उसको समझा, वो मरता नहीं है, उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, उसको कोई आग जला नहीं सकती, उसको पानी गीला नहीं कर सकता, इनफैक्ट कोई भी चीज़ उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, वो हमेशा हमेशा के लिए एग्जिस्ट करती है। ये तो आत्मा का नेचर हो गया। अब कृष्ण आए हैं कर्म के ऊपर कि कर्म कैसे होता है। दो टाइप के कर्म बताए हैं कृष्ण ने, एक वो कर्म जो आपको बांधता है, जिसके जरिए आप और इस फिजिकल वर्ल्ड में बंधते जाते हो, और एक वो कर्म जिसके जरिए आप फ्री होते जाते हो। अगर कोई आदमी केवल ऐसी थियोरी के लिए इन चीज़ों को सुनता है तब तो ये किसी काम का नहीं है, लेकिन अगर कोई आदमी इसको इसलिए पढ़ रहा है कर्म को, ताकि वो अपने थॉट में, अपने एक्टिविटी में, अपने इंट्रैक्शंस में, अपने ऑफिस में, अपने घर पे, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ कर्म को समझ करके करे, ताकि वो बंधे ना, फ्री हो, तभी बड़ी कारगर है। ये इतनी आसान नहीं है। ख़ास तौर से गीता जैसी किताब इसलिए लोग गलत समझते हैं क्योंकि वो उसको केवल फिलॉसफी के तरीके से देखते हैं। जैसे लोग ये कह रहे हैं कि भाई लड़ाई करवा दी कृष्ण ने, ना, कृष्ण ने माइंड को समझने के लिए, कर्म को समझने के लिए कहा है। यहाँ पर पहली बार कृष्ण योग वर्ड लेकर आते हैं, कहते हैं योग वो एक्टिविटी है जिसके जरिए अगर तुम थोड़ा
थोड़ा भी काम करते हो, आधा अधूरा भी तुम अगर योगी बनते हो तो भी उसका फल मिलता है, उसका फल लॉस नहीं होता है। और एक बड़ी खास चीज़ बताई, योग में की हुई कोई भी एक्टिविटी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, कोई भी हैंगओवर नहीं होता है। और साथ ही साथ अगर कोई आदमी बहुत सीरियसली इस बर्थ और डेथ के चक्र से फ्री होना चाहता है तो योग उसमें कारगर साबित होता है। अब अपने आप में यही बड़ी विवादित चीज़ है, बड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ है कि जन्म होता है कि नहीं होता है, मृत्यु होती है कि नहीं होती। बट भाइयों, कम से कम ये फिजिकल बॉडी तो हम झेल रहे हैं। कोई भी इंसान अगर किसी को मरता हुआ देख लेगा तो वो ये नहीं चाहेगा दुनिया में किसी का जन्म हो। अगर सीरियसली किसी को मरता हुआ तकलीफ में दर्द में देख ले, हम सब कहीं ना कहीं अपने आप को एक भ्रम में, एक इल्यूजन में, एक हिप्नोटिज्म में डाले रहते हैं कि ये चीज़ अच्छी है वो चीज़ ख़राब। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ का अंत ख़राब है, अगर शरीर पैदा हुई है, एक बच्चा पैदा हुआ है और वो अंत में जाकर के बीमार होकर के मरने वाला है तो ये शरीर पाने लायक नहीं है। तो योग उस चीज़ का ट्रीटमेंट है कि इस नश्वर शरीर के बार बार पैदा होने के बजाय कोई ऐसी एग्जिस्टेंस को पा सकना जो हमारी अपनी खुद की नेचर है, सोल है, आत्मा है, वहाँ तक पहुँचने का एक और एक ही जरिया है और वो है योग। अब योग क्या है उसको समझने के लिए हम लोगों को अपना दिमाग बहुत सीरियसली इस योग पर लगाना होगा। अगर हम योग को बहुत सीरियसली स्टडी नहीं करना चाहेंगे, केवल थियोरी के फॉर्म में सुन लिया तो उसे बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला। बहुत से लोगों से मिले होंगे कृष्ण, ढेर सारे लोगों से बातें भी खूब की होंगी और बहस भी खूब की होगी। योग क्या है? अपने माइंड को पूरी तरह से फोकस करना और अपने सारे एक्टिविटीज़ को इस तरह से करना कि तुम फ्री हो सको। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कृष्ण से मिले होंगे और उन्होंने खूब बड़ी बड़ी बातें की होंगी, चर्चाएं की होंगी, बहस की होगी और अलग अलग वेदों को उन्होंने कोट किया होगा, बट वो खुद अपने आप को फ्री नहीं कर पाए होंगे। तो कृष्ण कह रहे हैं जिस आदमी के अंदर में समझ, विवेक, इसको डिस्क्रिमिनेशन भी कहा गया, इस चीज़ को प्लीज़ खोजिएगा, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जिसके दिमाग में, जिसके माइंड में, जिसकी लाइफ में विवेक नहीं होता, समझ नहीं होता, वो आदमी बातें बड़ी बड़ी करेगा लेकिन खुद फंसा रहेगा इस चेन में, डिज़ायर्स की चेन में, कर्म की चेन में। तो तुम्हारे लिए ज़रूरी ये है अर्जुन कि तुम अपने एक्टिविटीज़ में समझ को लेकर आओ। तुम्हें लड़ाई करना है नहीं करना है तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन अपने माइंड को योग में लेकर आओ, उसके बाद तुम्हें जो करना है करो। कृष्ण जानते हैं, क्योंकि अर्जुन भी उन्हीं में से एक है जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, साधु बनने की बातें कर रहा है, लेकिन साधु बनने के लिए जिस तरह का माइंड का कॉन्सेंट्रेशन, अवेयरनेस चाहिए वो अर्जुन के पास है नहीं। जैसे ही सामने प्रियजन आए वो डिस्टर्ब्ड हो गया। इससे भी बड़ी डिस्टर्बेंस आएगी अर्जुन के पास अगर वो लड़ाई नहीं करता है और अपने घर पे बैठा रहता है और वो बूढ़ा होकर के मरता है, या उसके प्रियजन कोई बूढ़े होकर मरते हैं, कोई बीमार होकर मरते हैं, तो क्या अर्जुन दुखी नहीं होगा? कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कोई स्क्रिप्चर्स को कोट करते हैं, लेकिन अंदर अंदर वो पावर चाहते हैं, अंदर अंदर प्लेजर चाहते हैं, तो ऐसा आदमी कमज़ोर है, ऐसा आदमी स्पिरिचुअल रास्ते पे चल नहीं सकता। स्पिरिचुअल रास्ते पे चलने वाला आदमी वो होता है जिसका माइंड पेन और प्लेजर से फ्री होकर के पूरी तरह से इस साइंस को समझने के लिए और प्रैक्टिकली समझने के लिए, क्योंकि अर्जुन चाहते थे थियरी समझना, वो चाहते थे जाकर आश्रम में बैठ जाऊं, दाढ़ी उगा लूं, भीख मांग लूं, लेकिन माइंड का क्या हश्र होता है जब उसको क्राइसिस दिखाई देती है और कैसे उसको रेगुलेट किया जाता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है, वो तो अभी है। अर्जुन अभी लड़ाई में है, लड़ाई बाहर नहीं थी, अर्जुन के मन में थी। बाहर तो बाद में लड़ाई अर्जुन ने किया, उसके पहले अर्जुन के मन में ये लड़ाई चल रही थी कि मैं नहीं लड़ना चाहता, मैं हार चुका हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। उनका हाथ कांप रहा था, गांडे उनके हाथ से छूट गया था। तो कृष्ण कह रहे हैं कि तुम अंदर से चाहते हो पावर, तुम अंदर से चाहते हो मौज मस्ती, और वो मौज मस्ती तुम्हें दिखाई नहीं दे रही यहाँ पर लोगों को मार करके, और तुम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो, तुम साधु बनने की बातें कर रहे हो। साधु जो लोग एक्चुअल साधु होते हैं उनका क्या कार्म होता है, उनका क्या नेचर होता है, वो अलग होता है। ये दुनिया ऑपोजिट्स पेयर से बनी हुई है, एक तरफ खुशी है, एक तरफ दुख है, एक तरफ अंधेरा है, एक तरफ उजाला है, एक तरफ खूबसूरती है, एक तरफ बदसूरती है, एक तरफ गरीबी है, एक तरफ अमीरी है। इसको बोलते हैं पेयर ऑफ ऑपोजिट्स। कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम इस पेयर ऑफ ऑपोजिट्स के एक ही एस्पेक्ट को चाहोगे तो तुम फंसते रहोगे। अगर केवल तुम पावर चाहते हो और प्लेजर चाहते हो तो तुम इस ऑपोजिट से फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे ही तुमने पावर और प्लेजर चाहा तो तुम्हें उसके साथ वाली चीज़ वो भी मिल जाएगी। क्योंकि आग का एक छोर होता है ठंडक, दूसरा छोर होता है आग। तो ऐसा नहीं होता है कि एक आदमी केवल खुशी और खुशी और खुशी चाहे और उसको दुख नहीं मिलेगा। जैसे ही हम खुशी चाहते हैं हमने दुख को भी चाह लिया। लेकिन तुम अगर चाहो तो फ्री हो सकते हो इस पेयर ऑफ ऑपोजिट से। कैसे? वेदों में तीन गुणों का नाम लिया गया है।
जो हम लोग जनोगाम सिखाते हैं, तीन सेंटर्स होते हैं, सत्वगुण, तमस गुण और रजोगुण। और ये तीनों गुणों को जो आदमी कंट्रोल करना जान जाता है, वो आदमी इस पेयर ऑफ ऑपोजिट से फ्री हो जाता है। अर्जुन बेचारे बड़ी दलीलें दे रहे थे कि मुझे रुपया पैसा नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी नहीं कमाना है, यहाँ पर मैं लड़ाई करके नहीं इतना इकट्ठा करना चाहता हूँ। तो कृष्ण बोलते हैं तुम्हें इकट्ठा करना भी नहीं है, जब तुम लड़ाई कर रहे हो तो इस लड़ाई मत करो, क्योंकि तुम उनसे जीत करके कुछ पाना चाहते हो। तुम लड़ाई इसलिए करो बिकॉज तुम्हारा माइंड इस समय डिस्टर्ब्ड है, और उस डिस्टर्बेंस को शांत करने के लिए तुम्हें आत्मन को समझना है। और आत्मन क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जो डिस्टर्ब नहीं होती है। अपने माइंड के डिस्टर्बेंस को शांत करने के लिए तुम्हें ये कुरुक्षेत्र छोड़कर भागना नहीं है, बिकॉज तब तो तुम खाली एक ऐसा अपॉर्चुनिटी था जहाँ तुम अपने आप को डिस्टर्ब्ड पा रहे थे और उसको डील करने के बजाय तुम भाग गए। अगर तुम सीरियसली चाहते हो कि तुम्हारे माइंड का डिस्टर्बेंस शांत हो, तो उसके लिए तुम्हें अपने आप को, अपने आत्मन में, अपने ब्रह्म को खोज करके वहाँ जा करके वास करना है। और वो बाहर नहीं है, वो अंदर है। इसलिए तो दुनिया में जितने भी लोग मुश्किल चॉइसेस जब आते हैं और वो लोग भागने की कोशिश करते हैं, चाहे शराब के ज़रिए, चाहे टीवी के ज़रिए, चाहे किसी भी तरीके से दुखी होकर के ड्रग्स के ज़रिए, तो उससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। प्रॉब्लम केवल तभी शांत होगी जब हमने इस विज्ञान को सीख लिया है, इस ज्ञान को जान लिया है कि शांति बाहर नहीं है, डिस्टर्बेंस बाहर है और शांति है हमारे अंदर में। कोई ऐसा एक बहुत सॉलिड, बहुत स्ट्रांग कोना है जिसको हमको कॉन्शियसली एफर्ट के साथ जाकर के पाना होगा। अर्जुन बहुत एक्सपर्ट थे लड़ाई में, बचपन से ही उनके गुरुज उनको बहुत पसंद करते थे, सभी जानते थे। लेकिन आज उनके धनुर्विद्या की टेस्टिंग नहीं हो रही थी, उनके माइंड विद्या की टेस्टिंग हो रही थी। कृष्ण कह रहे हैं कि तुम जो लड़ाई कर रहे हो अर्जुन, इसमें तुम्हें लगता होगा कि तुम लड़ोगे और जीतोगे, तो जीत और हार पे तुम्हारा मन होगा, तो इस चीज़ को भूल जाओ। तुम्हारा अधिकार, कृष्ण याद दिला रहे हैं, तुम्हारा अधिकार तुम्हारे लड़ाई के रिजल्ट का ऊपर नहीं है, कर्म के फल के ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। अभी बड़ा अजीब लगेगा, हम सब जाकर के जब इम्तिहान देते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ खाना बनाते हैं, तो हम उसका रिजल्ट देखते हैं और लोगों से अप्रिशिएशन चाहते हैं। और जब कोई हमको ऑनेस्ट ओपिनियन देता है कि तुम्हारा खाना बनाया ख़राब था, तुम्हारा ये जो तुमने काम किया था ख़राब था, वो पसंद नहीं आता है। वो इसलिए बिकॉज सचमुच पे हम सब ने माइंड से बहुत सीरियसली अपने एक्शंस को देखा नहीं है कि हमारा कंट्रोल नहीं है रिजल्ट के ऊपर, किसी भी टाइप के रिजल्ट के ऊपर। हम एक कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम एक बच्चे को पाल रहे हैं, हम एक शादी को जी रहे हैं, उसमें जो हमने इमेजिन किया है इस माइंड से एक फेवरेट रिजल्ट, वो हमारे हाथ में है नहीं। लेकिन फिर भी हमारा माइंड केवल रिजल्ट के बारे में सोच करके जाके काम करता है। और उस कंडीशन में क्या होता है? अगर हमारे मन का रिजल्ट दिखता है तब तो हम बड़े खुश होकर करते हैं, लेकिन नहीं दिखता तो हम छोड़ देना चाहते हैं, और उस छोड़ने को आलस कहते हैं। तो कृष्ण कहते हैं अगर तुम इस लड़ाई का रिजल्ट देख करके, कर्मों का फल देख करके लड़ाई करोगे या नहीं करोगे, तो तुम आलसी हो रहे हो और कुछ नहीं हो रहे हो। दो तरीके से हम अपने काम को कर सकते हैं। कृष्ण कहते हैं एक काम है जिसमें कि हम एंग्शियस होते हैं, उसमें एंग्जाइटी होती है रिजल्ट की वजह से, जब हम रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, तो वो लोअर क्वालिटी ऑफ कर्म होता है और वो बांधता भी है। और एक होता है जिसमें कि हमको कर्म के फल की चिंता नहीं होती, हम कर्म कर देते हैं, लेकिन उसके बदले में हमको जो एक माइंड मिल रहा है, जो हमारा स्टेट ऑफ माइंड है, वो काम करने के लिए, उसको शांत करने के लिए हम उस कर्म को करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। हमारे घर में जितने भी लोग खाना बनाने आए हैं आज तक, उसमें से एक लेडी हैं, अब तो खैर वो नहीं आती, बट वो जब भी आती थी वो बहुत शांत तरीके से काम करती थी। उनके खाने में स्वाद भी था और बड़े प्यार से बना बना के खिलाती थी। वो जब चली गई तो उसके बाद एक दूसरी बच्ची आई हमारे यहाँ, वो भी काम करती है। अब वो जब भी खाना बना के देती है, वो बच्ची है अभी, तो वो खाना पराठा बना के देगी तो मुझसे बोलेगी भैया बताइए कितने नंबर मिले मुझे। तो मैं उसको बोलता हूँ बहुत अच्छे हैं, 10 में से 10 मिल गए, 100 में से 100 मिल गए, बहुत ही अच्छा है, टेस्टी है। लेकिन कभी कभी उसको फीडबैक भी मिलता है, मैं बोलता हूँ इसमें ये चीज़ ठीक नहीं थी, उसको ऐसे बना सकते हैं। और कभी कभी रिम्पी उसको बहुत ऑनेस्ट फीडबैक दे देती है, तो उसको फिर बहुत बार नहीं अच्छा लगता बच्चों को। लेकिन वो जो लेडी है, वो रिजल्ट के लिए बहुत एंग्शियस नहीं होती थी। उसको पता होता था कि कैसा खाना बना रही है, बिकॉज उसका मन उस काम को करने में लगा रहता था, प्लस वो अपने माइंड को हमेशा भजन कीर्तन करके या किसी और तरीके से अपने आप को शांत करती रहती थी। उसके पास अपनी ज़िंदगी का काफ़ी एक्सपीरियंस था, उसको पता था कि मुझे काम तो करना ही करना है, और जैसे जैसे काम करूँगी मेरे काम की क्वालिटी अच्छी होगी तो लोग मुझे काम देंगे। लेकिन इस बच्ची का हमेशा हर बार या तो एक्साइटेड होती है या तो दुखी होती है, डिपेंडिंग अपॉन इसके रिजल्ट पे। हमारा भी ऐसा ही कुछ चक्कर है, अर्जुन का भी ऐसे कुछ चक्कर है।
आज वो इसलिए परेशान है क्योंकि उस कर्म का रिजल्ट उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। जैसे ही कृष्ण कहते हैं, जैसे ही तुम्हारा ध्यान कर्म से हट करके उसके रिजल्ट पे गया तो तुम बंध गए, तुम फ्री नहीं हो सकते उसमें। और अगर तुमने वहाँ से हटाकर अपने आप को सेल्फ के ऊपर, अपने ब्रह्म के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर, अपने कामनेस के ऊपर रखा, तब कर्म का रिजल्ट कोई भी हो तुम फ्री होगे ही होगे। अर्जुन को याद दिलाते हैं, कृष्ण कहते हैं तुमने स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं, तुम्हें याद भी हैं, लेकिन वो तुम्हारी ज़िंदगी के पार्ट नहीं बने, अभी तुम्हारी समझ नहीं बनी है। इसलिए तुम कोट तो कर रहे हो स्क्रिप्चर्स को, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आध्यात्मिक बातें कर रहे हो, लेकिन तुम अंदर से अभी भी कर्मों के फल के साथ बंधे हुए हो और वो तुम्हें बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसाएगा। तुम्हें अपने माइंड को फोकस करना है, कैसे वो काम हो सके, कैसे वो कॉन्सेंट्रेटेड हो सके, और वो भी किस चीज़ पर? सेल्फ पर। ये लड़ाई नहीं हो रही है, ये लड़ाई के ज़रिए तुम अपने माइंड को डिस्टर्ब स्टेट में देख रहे हो। ये बहुत बड़ी खोज जो कृष्ण ने केवल दी है दुनिया को। लड़ाई के मैदान में किसी आदमी को ये दिखा पाना कि वो डिस्टर्ब्ड है इसलिए क्योंकि उसका माइंड गलत चीज़ पर फोकस्ड है, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि इस मोमेंट पे जब लड़ाई चलती है पूरी दुनिया डिस्टर्ब हो जाती है, और यहाँ तो कृष्ण उस पीक मोमेंट में है जिस समय सारे के सारे लोग एकदम डरे होंगे, परेशान होंगे, एंक्शस होंगे, जैसे आज हम सब कोरोना के चक्कर में हैं। उस कंडीशन में कृष्ण बहुत प्यार से अर्जुन को याद दिला रहे हैं, कर्मों की फल की चिंता मत करो। अगर तुम एक्टिविटी को करते रहोगे, तुम तीर चलाओ, ऐसे तीर चलाओ जैसे कि तीर है, धनुष है, और तुम्हारा हाथ, ये सब का सब एक पार्ट है और इसको चलाने वाला कोई और है। अपने माइंड को पूरी तरह से अपने सेल्फ में, ये भी अपने आप में साधना है। अर्जुन इसको पहली बार शायद देख पा रहे हैं क्योंकि उनके मन में इस तरह के सवाल पहले आए ही नहीं हैं। सवाल इनफैक्ट अर्जुन ने पूछा ही नहीं कि क्या मैं अपने ब्रह्म के ऊपर ध्यान दूँ, सेल्फ के ऊपर ध्यान दूँ, गॉड के ऊपर ध्यान दूँ। अर्जुन ने केवल एक गलत चीज़ बोली, एक कन्फ्यूज चीज़ बोली। उन्होंने कहा कि इन लोगों को मार करके अपनी ज़िंदगी को रिच बनाने से अच्छा है कि मैं साधु बन करके भगवान को पा जाऊँ। तो कृष्ण को याद दिला रहे हैं, तुम्हारा माइंड कन्फ्यूज्ड है, मारने या नहीं मारने से तुम साधु नहीं बन जाओगे। तुम साधु बनोगे जब तुम्हारा माइंड कर्मों के फल से फ्री होगा। मान लीजिए ये साधु बन जाते और वहाँ पर बैठे रहते और इंतज़ार करते रहते, अब मुझे फल मिलेगा, अब मुझे मेरी साधना का, मेरी तपस्या का फल मिलेगा, तो इनकी हालत कैसी होती? विश्वामित्र जैसी होती। मेनिका आ जाती, मेनिका के साथ इनके चक्कर फंस जाते और उसके बाद ये चक्कर में घूमते रहते पता नहीं कितने सालों तक। तो रिजल्ट कर्म का मतलब इतना गहरा आपके लिए, आपके लाइफ में ना, अपने माइंड को देखिए कि किस समय किसी दुविधा में फंसा है। मैं श्रीश को बोलता हूँ इसलिए कि पढ़ाई करते समय बिल्कुल इसकी चिंता मत करो कि लोग तुम्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे नंबर कैसे आ रहे हैं, इसकी बिल्कुल चिंता मत करो। बस तुम पढ़ो, समझो और कुछ करो, और उस कुछ से ही तुम्हारी लाइफ का एक पर्पज़ मिलेगा। अर्जुन की लाइफ का पर्पज़ था, कृष्ण की लाइफ का पर्पज़ था, और उस पर्पज़ में रिजल्ट सारे बाय प्रोडक्ट होते हैं। और जब रिजल्ट की चिंता नहीं होती है तब आपको कोई चीज़ बांध नहीं सकती, तब आप, क्योंकि थॉट्स नहीं होते, फ्यूचर के थॉट्स नहीं होते। जब आदमी के दिमाग में एंग्जाइटी नहीं होती, जब फियर नहीं होता, तो फ्यूचर का थॉट नहीं होता। जब फ्यूचर का थॉट नहीं होता है तो आदमी प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से जीता है, और जो आदमी प्रेजेंट मोमेंट में रहता है वो पूरी तरह से फ्री हो जाता है। प्रेजेंट मोमेंट में ही गॉड, ब्रह्म, कृष्ण मिलते हैं, फ्यूचर में नहीं मिलते हैं। तो रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है, रिजल्ट कुछ भी आए, आपको बार बार अपने माइंड में, अपने पीस में, अपने प्रेजेंट मोमेंट में आना है। आज इतना ही, बाकी कल। नमस्कार। स्पिरिचुअलिटी के लिए जुनोगा बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हैवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।